दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका देते हुए विधायकों को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। दरअसल चुनाव आयोग के फैसले के बाद आपने हाईकोर्ट में से चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने पूरे मामले पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा। कोर्ट ने पूछा कि क्या राष्ट्रपति को कोई सलाह दी गई है। साथ ही आपको फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग के नोटिस के बाद भी आपने जवाब नहीं दिया, बुलाने पर भी नहीं गए, तो चुनाव आयोग आदेश देने के लिए स्वतंत्र है। बात पर हमने, चूंकि हमने पहले रिट डाल रखी थी जिसकी अभी मार्च में डेट है, हमने उसी में एक स्टे की एप्लीकेशन डाली कि अगर ऐसा है तो आप कृपया इलेक्शन कमीशन को ऐसा कोई भी ऑर्डर पास करने से रोक दें, और अगर कर दिया है तो उसको कम्युनिकेशन करने से रोक दें। पर जब कोर्ट ने काफ़ी देर सुनने के बाद, जब कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के एडवोकेट को पूछा क्या कोई ऐसा ऑर्डर पास हुआ है, तो उनके एडवोकेट ने कहा कि मेरी नॉलेज में नहीं है। जबकि इस समय यहाँ 6 बजे के करीब हो रहे हैं, 5:30 के करीब हो रहे होंगे। उसके बाद कोर्ट ने उनको टाइम दिया 10 मिनट का कि वो पता कर लें क्या कैसा कोई ऑर्डर पास हुआ है। उनके वकील जो यहाँ मौजूद थे, उन्होंने 10 मिनट में आके फिर बात की कि उनकी नॉलेज में इलेक्शन कमीशन ने ऐसा कोई भी ऑर्डर पास नहीं किया है। इसलिए आज के दिन ऑनरेबल कोर्ट ने ये सोमवार 4 बजे तक सुनवाई टाल दी है। सोमवार को 4 बजे उनके वकील साहब अपनी इंस्ट्रक्शंस इलेक्शन कमीशन से लेके आएंगे और उसके बाद कोर्ट उसको हियर करेंगे। दरअसल चुनाव आयोग द्वारा लाभ का पद के मामले में दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य ठहराने और राष्ट्रपति से उन विधायकों की सदस्यता को रद्द करने की सिफारिश किए जाने के बाद पार्टी राहत के लिए हाईकोर्ट पहुंची है। आपके 6 विधायकों ने चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। आज हो सकता है इलेक्शन कमीशन किसी तरीके का ओपिनियन पर डिसीजन ले ले, तो हम लोगों ने इसके लिए प्रेयर डाली कि हम लोग को मीडिया से पता चला है तो ऐसा ओपिनियन होने से पहले, क्योंकि आज तक हमारी सुनवाई नहीं की गई है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले पे, क्योंकि इससे पहले जो सुनवाई हुई थी मेंटेनेबिलिटी पे, उसके बाद से आज तक कोई भी सुनवाई ऑफिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी पे हमारी नहीं हुई है, और हमसे सिर्फ रिटर्न आर्गूमेंट्स लिए गए और उनके बेसिस पे अगर ये ओपिनियन दिया जा रहा है तो इस पर रोक लगे, इसके लिए हम आए थे। पर जो इलेक्शन कमीशन से जो लॉयर आए थे, उनको खुद को ये कंफर्म नहीं था कि इस तरीके का कोई ओपिनियन पास हुआ है या नहीं हुआ है। जब कोई अपना कहते हैं कि बेइंसाफी होती है तो यहाँ पे सब पहुँचते हैं, तो यहाँ पे सुनवाई होगी। हाई कोर्ट है हमारा, सुप्रीम कोर्ट भी है, पर हम हाई कोर्ट में आए। अब आज हमारे को पता लगा था, हम इसलिए आ गए थे। अभी हमारी कोई पार्टी का कोई डिसीजन नहीं आया। अच्छा, तो जाएंगे ऑफिस में बैठेंगे, पार्टी से बात करेंगे। आपने अपना प्रोविजन पास ऑफिशियली हुआ है नहीं हुआ, इससे अवेयर ही नहीं है? नहीं, अभी देखो चुनाव आयोग ने भी कोई अभी डिसीजन नहीं लिया है, क्या उनका ओपिनियन है पता नहीं। लेकिन हमारी सबसे बड़ी बात यह कहना है कि अगर हमें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मिला तो चुनाव आयोग को सुनना चाहिए ना हमारे। उन्होंने हमारा सुना ही नहीं कुछ भी। हम कहते हैं, जैसे विरोधी पक्ष कह रहा है कि इनको दो दो जगह से तनख्वाह मिली, अरे हमारे अकाउंट चेक कर लो, हमारे अकाउंट में तो आती है, आपको पता चल जाएगा कि मिली नहीं मिली। हमको सुविधाएं मिली, वो हमारी सरकार कह रही है कि हमें कुछ नहीं दिया, हमारी विधानसभा कह रही है हमने कुछ नहीं दिया, फिर किसने दे दिया? हालांकि केजरीवाल सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट से अंतरिम राहत नहीं मिली है, और हाईकोर्ट ने न केवल आम आदमी पार्टी की याचिका को खारिज कर दिया है बल्कि पार्टी को ये फटकार लगाते हुए कहा कि आप समय रहते चुनाव आयोग के पास नहीं गए और सुनवाई में सहयोग नहीं दिया। अदालत ने कहा कि आपका रवैया चुनाव आयोग के साथ उचित नहीं रहा। ऐसे में चुनाव आयोग को पूरा अधिकार है कि इस तरह के मामलों में फैसला ले। इससे केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुशांत मेहरा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।